हाय दोस्तों, हम लोग घूमने जा रहे हैं सिवान में। और धान कैसे है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और सब देखने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग V4 खोदने जा रहे हैं। V4 का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो, जानते भी होंगे शायद कोई कोई। ये हमारे हैं, ये खोदेंगे। देख लो हाथ में क्या लिए हैं, यही खोदेंगे। और हमारे बड़े साहब, बड़े भाई साहब जा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और पूरा ये जो खेत है ना, वो भी दिखा रहे हैं आपको। और हमारे सामने एक बाबा जी आ रहे हैं, उनको देखना। वो दिन भर काम करते रहते हैं, करीब मेरे हिसाब से 65-70 तक हो गए होंगे वो, फिर भी काम करते हैं वो। दिखा रहा हूँ आपको, जा रहे हैं। देखो ये हमारे बाबा जी आ रहे हैं, हम तो कम ही बताए, ये लोग बता रहे 100-150 साल के होंगे। बाबा जी कहाँ गए थे? बाबा जी कहाँ गए थे? बाली काटने गए थे। ठीक है, ठीक। अच्छा, बाबा जी लगता है कम सुनते हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे बात को इग्नोर कर दिए। मतलब सुने नहीं तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है धान। ये धान देख लीजिए दोस्तों, पूरा फील्ड ही है। देख लो, पूरा फील्ड है धान का, पूरा धान ही है इधर का, पूरा धान ही है। देख लो, और ये लोग है V4 खोदने जा रहे हैं। देख लो, ये लोग हाथ में खुरपा ली हैं और जुनून के साथ बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, ये लोग बोल रहे थे कि 2-3 KG ज़रूर खोद के लाएंगे V4। कर रहे हैं ये लोग, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। दोस्त, जमाना ऐसा है कि आजकल एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भी नहीं कटेगा। एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दोनों भाई ने हेल्प किया। दोस्तों, वो गांव है, यहाँ से हम कितना दूर जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। वो जो बगीचा दिख रहा है ना, ये बगीचा, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। ना साइकिल है, ना बाइक है, ना कोई और।